झारखंड के गढ़वा शहर के चिरौंजिया मोड़ के पास दर्दनाक घटना तब घटी जब नो एंट्री से निकलकर एक ट्रक जा रही थी कि वह 11,000 करंट के चपेट में आ गई, जिससे चालक सह मालिक की दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि ट्रक यूपी के मैनपुरी से झारखंड के रामगढ़ सामान लेकर जा रही थी। विसर्जन को लेकर शहर में नो एंट्री लगी थी, इसलिए ट्रक चिरौंजिया मोड़ के पास खड़ी थी, लेकिन जब ट्रक निकाल कर पीछे की ओर जा रही थी तभी वाहन 11,000 तार के चपेट में आ गई, जिससे चालक की मौत मौके पर ही हो गई। गनीमत रही कि खलासी गाड़ी से उतरकर गाड़ी पीछे कराने में मदद कर रहा था, जिससे वह बच गया। हालांकि घटना के बाद खलासी के द्वारा तुरंत चालक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच खलासी ने बताया कि गाड़ी पीछे की ओर आ रही थी और बिजली का तार नीचे झुका हुआ था, जो ट्रक के बॉडी में टच कर गया, जिससे यह घटना घटी। वहीं सदर थाना पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। इन्फॉर्मेशन मिला कि ये लोग उत्तर प्रदेश से सामान लेकर के कुछ उसमें जो है लोहे का इलेक्ट्रॉनिक कुछ वैसा है उपकरण है, जिसको लेकर के ये लोग रामगढ़ झारखंड की ओर जा रहे हैं। तो इसी बीच नो एंट्री होने के कारण जो है ये लोग चिरौंजिया के पास, क्योंकि कल तो विजयदशमी था, इधर जुलूस उलूस के चलते नो एंट्री था, जिसके कारण ये गाड़ी को अपना साइड कर रहे थे। इस बीच जो है खलासी जो है उतरा हुआ था और वो पीछे से साइड देख रहा था, तो ड्राइवर जो है सो अपने तरफ से देख रहे के क्रम में जो है सो वो जो है ऊपर का जो 11,000 का साइड बिजली का तार था उसमें उस लोहे से संपर्क में आ गया, जिसके कारण गाड़ी में पूरा जो है सो करंट आ गया, जिसके चलते इनको करंट से लगने से मृत्यु हुई। उसके बाद आनंद फानन में इनके जो सहयोगी खलासी बोलिए या जो बोलिए ड्राइवर जो भी थे वो आनंद फानन में सदर अस्पताल लाए, जहाँ चिकित्सक के द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया। सहयोगी कृष्णा के साथ द इंडिया बुलेटिन के लिए रांची से शमीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।